नेशनल कॉन्फ्रेंस मसरूफ है, शादियों का सीजन चल रहा है, जहाँ शादी है उनका कार्ड पहुँचा है, वो डांस करने निकलते हैं। ये डांस कॉन्फ्रेंस है इस सीजन में, कहीं देखो शहर में शादी है, ये सीजन है उनके डांस का। उन्होंने तो डांस में आधी जिंदगी गुजारी और बाकी बदकिरदारी में किस किस में गुजारी। अब मैं आपके सामने मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ, शाबान क्या बोलेगा, उसको क्या पता शाबान को इलेक्शन का, कभी जीता है कभी लड़ा है। इनके जो ये प्यादे हैं, ये डेली वेजर हैं इनके, ये जो दिहाड़ी पे इन्होंने मजदूर रखे हैं डिफेम करने के लिए किसी को, इनको बाज आना चाहिए। ये पप्पा और बच्चों की सरकार नहीं चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये टारगेट क्यों करते हैं, पीडीपी को क्यों नहीं करते, बीजेपी को नहीं करते? मुझे बोला कि पप्पा रोजगार और बेहतर जिंदगी अपने बच्चे के लिए दे रहा है, क्योंकि पप्पा एमएलए बच्चा एमएलए, पप्पा मंत्री पप्पा बच्चा मंत्री, पप्पा सीएम बच्चा सीएम, उसको खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह। उस कुर्सी पर बैठा हूं, काउंसलर हूं, इनकी तरह बच्चा नहीं हूं किसी का, बस रोता जाऊंगा शहर में, पप्पा 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 आइसक्रीम, पप्पा गाड़ी, पप्पा पजामा, पप्पा चड्डी, पप्पा मंत्री, ये तो कहते रहते हैं, पप्पा मंत्री मैं भी मंत्री, पप्पा एमएलए मैं भी एमएलए। पप्पा बच्चे की सरकार बन चुकी थी, वो मैंने खत्म कर दी है। पीडीपी पीडीपी के खिलाफ आप नहीं बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हो, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्या है? बीजेपी के सलमान सागर की रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, जिसमें वो बोलता है आई एम कमिटेड टू एनीथिंग टू एवरीथिंग, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रिकॉर्डिंग। अरे यार ताजा, मेरे पास 30 लाख खर्चा है कि शेख मोहम्मद इमरान को मार दिया जाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैं चलाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और बाज़ाबिता ये बयान करूंगा मेरे पास सिक्योरिटी क्यों है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हो बुलंद आवाज़ के साथ और मैं हूं सईद ताबिश बुखारी। कश्मीर में सियासी जमातों का एक दूसरे पे इल्जाम लगातार जारी है, जहां हम देखते हैं बीजेपी एनसी पे इल्जाम लगाती है और एनसी बीजेपी पे इल्जाम लगाती है। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज शेख मोहम्मद इमरान है। इन पे भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, कहीं का कहना है कि ये बीजेपी प्लांटेड है, कहीं का कहना है ये आरएसएस प्लांटेड है। तो इन्हीं से पूछेंगे कि ये आखिर किसने प्लांट किया गया है। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि आपकी डेफिमेशन के डेफिमेशन सूट आपका किया था मुजफ्फर शाह साहब ने, केस केस के मुजफ्फर शाह साहब, बच्चा जो बच्चा है गुलशाह साहब, आपको कोर्ट ने बुलाया था, क्या कहेंगे इसमें? इस कोर्ट ने आपको, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, बच्चा है वो, पप्पा उसके वो हैं, पप्पा जो है उसका गुलशाह साहब, जो पप्पा है उसके बच्चा है उसका, गुलशाह साहब के बच्चे ने, मेरी लीगल टीम देखेगी, मसला क्या है उसमें? आपको डर नहीं लगता? आपको कोर्ट ने बुलाया था, बच्चे से जज ने बुलाया था, छोटे बच्चे से डरोगे? जज ने बुलाया, सियासत में नाबालिग हो, जिनका सियासी कोई वजूद नहीं हो, जो सियासत में इसलिए है क्योंकि वो पप्पा के बच्चे हैं, पप्पा उनका है गुलशाह साहब, अच्छे अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे गुलशाह साहब को, बच्चा अभी नाबालिग है, बालिग हो जाएगा, उम्र से नाबालिग नहीं है लेकिन सियासी नाबालिग। तो बोलते मैं जानता भी नहीं उनको, इनको ये कैसे मेरे खिलाफ ये डिफेमेशन कर रही है मेरी? जो भी बोला है सच बोला है, झूठ नहीं बोला है। मैंने इतना बोला है कि 40 कनाल नाजायज थे, जो गवर्नमेंट बोल रही है नाजायज थे, तो वो 40 कनाल का हवाला दे के मैंने गवर्नमेंट को पेपर भी, गवर्नमेंट के पेपर आपको भी दिए थे, तो इसमें दो राय नहीं है। एक और बात आपसे पूछेंगे, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही टारगेट क्यों करते हैं, पीडीपी को क्यों नहीं करते, बीजेपी को नहीं करते? मुझे बोला कि बीजेपी या आरएसएस का प्लान है, वो भी बोलेंगे आप। ये जो आप कौन होते हो बोलने वाले, लोगों की आवाज है, आप जो लोग कहते हैं वो पूछते हैं, कोई लोग नहीं कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं, बच्चे सागर साहब का बच्चा बोलता है, वो शाबान बोलता है, वो दूसरे बच्चे बोलते हैं, बच्चे परदेसी साहब का बच्चा बोलता है, सादिक अली साहब का बच्चा बोलता है, पीर शफी साहब का बच्चा बोलता है, गुलाम मोहिद्दीन शाह साहब का बच्चा बोलता है, बच्चों को जो बच्चा का खेल कर रहे ना, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। मैं बाकिरदार बाज़ाबिता अपने लोगों के लिए सियासत कर रहा हूं, बेगैरती सियासत नहीं कर रहा हूं, मेरा सियासी वजूद और क्वालिफिकेशन मेरा इलेक्शन, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, काउंसलर हूं, इनकी तरह बच्चा नहीं हूं किसी का, बस रोता जाऊंगा शहर में, पप्पा 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 आइसक्रीम, पप्पा गाड़ी, पप्पा पजामा, पप्पा चड्डी, पप्पा मंत्री, ये तो कहते रहते हैं, पप्पा मंत्री मैं भी मंत्री, पप्पा एमएलए मैं भी एमएलए। पप्पा बच्चे की सरकार बन चुकी थी, वो मैंने खत्म कर दी है, लोग समझ चुके हैं कि पप्पा और बच्चे का रिश्ता खत्म है, शॉर्टकट के ये प्यादे, शॉर्टकट के बच्चे, हम इनको लोगों और कौम के साथ इस्तेसाल नहीं करने देंगे। मैंने कैद तनहा भी गुजारा है और कैद में रहा हूं, मैं तहरीक शुरू कर चुका हूं इन पप्पा और बच्चों के खिलाफ। क्यों? पप्पा रोजगार और बेहतर जिंदगी अपने बच्चे के लिए दे रहा है, क्योंकि पप्पा एमएलए बच्चा एमएलए, पप्पा मंत्री बच्चा मंत्री, पप्पा सीएम बच्चा सीएम,
उसको खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह, उसके खिलाफ इंकलाब लाएंगे इंशाल्लाह, तब जाके मेरे नौजवान नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, मेरे नौजवानों को बेहतर तालीम, बेहतर तरबियत, बेहतर आमदनी, और इंशाल्लाह मेरे नौजवान तरक्की करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके बीच इतने इख्तलाफात क्यों हैं? मतलब कुछ ये पीडीपी के खिलाफ आप नहीं बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हो, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्या है? बीजेपी के खिलाफ जितना मैंने बोला उतना तो किसी ने बोला ही नहीं है, किसी ने तो हिम्मत ही नहीं रखी। बीजेपी के साथ तो रिश्तेदारी इनके है, बीजेपी ने तो एक पप्पा को सीएम बनाया, बच्चे को यूनियन मिनिस्टर बनाया, उमर अब्दुल्ला को। बीजेपी ने तो सलमान सागर की रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, जिसमें वो बोलता है आई एम कमिटेड टू एनीथिंग टू एवरीथिंग, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रिकॉर्डिंग है। अरे यार ताजा, मेरे पास ताजा होता है, ताजी चीजें होती हैं। मैं कहता हूं पुरानी भी होगी, एक साल पुरानी भी होगी, तो क्यों किया भाई? सागर साहब को ही डजंट हैव मॉरल एथिक्स टू स्पीक अगेंस्ट बीजेपी बिकॉज ही इज प्लीडिंग बेगिंग बीजेपी पीपल। राजभवन से राजभवन मिलने कौन गया बीजेपी के हवाले से? इनमें से देवेंद्र राणा से पूछे जब उसको भेजा गया था, उमर अब्दुल्ला ने भेजा था। ये बच्चे जो निकले हैं बच्चे, ये उम्र में बालिग है लेकिन सियासी नाबालिग है। मैं इनको वाजिया करना चाहता हूं और पप्पा और बच्चे की सरकार खत्म है। मैं अपने कौम और सियासी कारकुनों को बोलना चाहता हूं, ये तहत सियासी कारकुन छो यम पाप तो बच मोल तो नेची सुजिम यम एमएलए मोल नेचू एमएलए मोल मिनिस्टर नेचू मिनिस्टर मोल सीएम नेचू सीएम यमो दूत रोजगार यमो दूत सग यमो कोर चूर यमो कोर पन्न बचन खतर यम करू बेरोजगार यम करू रिजेक्ट अद मेल मैन नौजवानन रोजगार तब जाके मेरे नौजवान फलेंगे फूलेंगे फूलेंगे। किसने आज तक बोला कि भाई मेरे 10,000 बच्चे खानियार से या श्रीनगर शहर से या कश्मीर से, इनको बाहर दिल्ली बंबई फॉरेन के इदारों में भेजो, गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाल रही है, किसने बोला? इन्होंने तो खत्म करके रखा हमें, इन्होंने तो अपना टाइम निकाला, बादशाहत निकाली, अभी अपने बच्चों को युवराजों को आगे कर रहे हैं, बादशाह सुल्तान। इन्होंने तो यही रिश्ते चलाए, बाप बादशाह बना था, बच्चा सुल्तान बना है। अब ये नए सपूत युवराज जो निकले हैं, इनकी सियासत खत्म करने की तहरीक में खड़ा कर चुका हूं। एक एक नौजवान तर्जुमान है मेरा, एक एक कश्मीरी नौजवान तर्जुमान बनेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, जज्बा जुनून और हिम्मत बहुत है। ताबिश साहब इनकलाब लाएंगे हम इंशाल्लाह, और इनकलाब दूर नहीं है। क्या लगता है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आवाम को धोखा दे रही है, जो अभी उनका कहना है कि डेमोक्रेसी बात मत करो यार, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस मसरूफ है, शादियों का सीजन चल रहा है, जहां शादी है उनका कार्ड पहुंचा है, वो डांस करने निकलते हैं, ये डांस कॉन्फ्रेंस है इस सीजन में। कहीं देखो शहर में शादी है, ये सीजन है उनके डांस का, उन्होंने तो डांस में आधी जिंदगी गुजारी और बाकी बदकिरदारी में किस किस में गुजारी। अब मैं आपके सामने मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, इट विल बी अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम देम, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए, उनका सीजन है डांस का इस दफा, इनको मसरूफ रहने दो, क्यों उन बिचारों की बात बार बात करते हो? अगर उनकी बात करें उनके साथ पीडीपी को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में मैं क्या कहूं, मुझे उनके साथ सियासी इख्तलाफात है, लेकिन वो मैडम जो है कुछ टाइम के लिए सीएम रही है, उसके खिलाफ कोई करप्शन अभी निकली नहीं है, जब होगा तब मैं उनकी बात करूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं क्यों करूं। हां उनकी सियासी सोच के साथ मुझे इख्तलाफात है, मैं बाज़ाबता कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बीजेपी के साथ मेरे इख्तलाफात है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पप्पा बच्चे की सरकार का एक नमूना बन जाऊं, ये तो नमूने हैं, नमूने ये चूजे, इन चूजों को सियासी, मेरे पास जो नया इंसान आया है इनकी टांग अड़ाने के लिए, सच बोलने के लिए, जिसके खिलाफ इन्होंने 30 लाख खर्चाए कि शेख मोहम्मद इमरान को मार दिया जाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैं चलाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और बाज़ाबता ये बयान करूंगा मेरे पास सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि पप्पा और बच्चे ने मिलकर साजिश की थी, सिक्योरिटी मुझे इसलिए मिली कि मुझे एनसी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, साजिश की उन्होंने, उनके एक ओहदेदार ने बाज़ाबता उस पर बोला है रिकॉर्डिंग में कि इसको हटाओ इसको मारो हम 30 लाख रुपए देंगे। अच्छा हाँ मैं सुनाऊंगा, वो समझ नहीं आता है, हम नए नौजवानों के पास अगर सिक्योरिटी होगी वो बीजेपी की है, फारूक अब्दुल्ला के पास होगी, गुलशाह के बच्चे के पास होगी, सागर साहब के बच्चे के पास होगी, परदेसी साहब के बच्चे के पास होगी, सादिक अली साहब के बच्चे के पास होगी, इन बच्चों के पास सिक्योरिटी होगी, फिर क्या ये पाकिस्तान की है इनके पास? यार हम हिस्सा है जमहूरियत के, मुल्क के, हिंदुस्तान के,
हमने इलेक्शन लड़ा है, हमारा प्रोटोकॉल है। शाबान क्या बोलेगा, उसको क्या पता शाबान को इलेक्शन का, कभी जीता है कभी लड़ा है, उसकी कयादत और इसकी कयादत। मैं बोलना नहीं चाहता हूं ज्यादा, लेकिन इन बच्चों को हिसाब में रहना चाहिए। और इनके जो ये प्यादे हैं, ये डेली वेजर हैं इनके, ये जो दिहाड़ी पे इन्होंने मजदूर रखे हैं डिफेम करने के लिए किसी को, इनको बाज आना चाहिए। ये पापा और बच्चों की सरकार नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये इमरान साहब से क्या कुछ इनका कहना था आपने सुन लिया होगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बुलंद आवाज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।